अच्छा कामिल अली आगा साहब, अब आप तो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो ये जो मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा कह रहे हैं कि इस पार्टी पर पाबंदी लगा दी जाएगी, इसको तहलील कर दिया जाएगा, तो क्या आपको ऐसा कोई खतरा नजर आ रहा है? वैसे ये अपना मीर साहब शौक पूरा कर लें, और अगर इनका जो ख्याल है कि ये शायद इमरान खान को की पार्टी को पर पाबंदी लगा के ये वो कहते हैं ना कि वो अकेला राज करेगा, राजा पता नहीं कौन सा, तो ये सूरत हाल इनका ख्वाब ही हो सकता है, हकीकत ने ये नहीं है। ये पार्टी जो चारों सूबों में मौजूद है और फिर उसकी नुमाइंदगी भी मौजूद है, और इस वक्त वो दो सूबों तीन चार सूबों के अंदर यानी कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर, पंजाब में हुक्मरान है, तो ये इस तरीके से अपनी हार मान रहे हैं ऑन ग्राउंड लाइव प्रोग्राम्स के अंदर बैठ के ये अपनी हार को तस्लीम कर रहे हैं। अवाम समझ रहे हैं पार्टियां इमरान खान ने नहीं चलानी, पार्टियां अल्टीमेटली उसके वर्कर चलाते हैं, उसको जिंदा रखते हैं, कायम रखते हैं, और ये मुझे नजर आ रहा है कि ये एक इनकी नाकाम कोशिश है जिसका कोई फायदा इनको होने वाला नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कोशिश कर रहे हैं करके देखने। कानून के मुताबिक ये फॉरेन फंडिंग अगर साबित भी हो जाए तो पार्टी के ऊपर जो है वो पाबंदी नहीं लग सकती। ये एक मिली भगत है इस वक्त इलेक्शन कमीशन अच्छा। और इनके दरमियान में जो वो साबित भी हो गई है, वो जजमेंट जो मीडिया को दी गई उसके बाद जो जजमेंट आई उसके अंदर भी जो तब्दीली लाई गई वो भी फरमाइशी प्रोग्राम था अच्छा, इनकी फरमाइश के ऊपर आई जिसका वो ये फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात मजीद मीर साहब आपको बताता चलूं कि अगर फॉरेन फंडिंग साबित भी हो जाए तो वो फॉरेन फंडिंग की डेफिनेशन कभी इन्होंने देखी है? डेफिनेशन ये होगी कि किसी बैरूनी मुल्क और वो मुल्क जो पाकिस्तान के अंदर किसी खराबी का सबब बना हो या बनना चाहता हो और पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई साजिश करना चाहता हो कि जिसके जरिए वो हुकूमतें तब्दील करवाए, पॉलिसियां तब्दील करवाए और दफाई जो या मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा हो उसके मुतलक ये शिक रखी गई थी। ये अगर किसी फर्द ने ये फंड कर दिया है तो उसका फंड जो है वो जब्त हो सकता है, ये इख्तियार है उसके, वो भी क्वेश्चनेबल है। अच्छा, कानून की बात करते हैं। क्वेश्चन मार्क है कि उसका भी हो सकता है। इन्होंने तो जितनी चीजें साबित हो गई है कल से आज तक, वो आपने देखा कि खावन दे रहा है, बीवी दे रही है, बीवी हिंदू है, वो बीवी हिंदू कैसे हुई? जब वो मुसलमान के साथ शादी कर लेती है मीर साहब तो वो मुसलमान होके शादी करती है। अच्छा बिल्कुल, कानून की बात करता हूँ।